गुरुवार दोपहर उत्तर प्रदेश के गोंडा मनकापुर रेल रूट पर मोतीगंज झेलाही स्टेशनों के बीच चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा 2:37 पर हुआ जब ट्रेन चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी। इस हादसे में ट्रेन के एसी डब्बे डीरेल होकर पलट गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन के लोको पायलट का कहना है कि उसने हादसे से पहले एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। इसके बाद रेलवे ने साजिश के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आपको बता दें कि गोंडा में जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई उसके कोच LHB थे, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब ये LHB कोच क्या होता है ये भी हम वीडियो में जानेंगे। बता दें कि इन लाल रंग के कोच की खासियत होती है कि दुर्घटना होने के बाद ये कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं बल्कि पलट जाते हैं। इसकी वजह से नुकसान कम होता है। भारतीय रेलवे में इस वक्त 2 तरह के कोच सेवाएं दे रहे हैं। पहला है ICF, जो पुरानी तरह का कोच है जिसे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा है LHB, जिसे लिंके होफमैन बुश कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ये ISF कोच होता क्या है और ये किस तरह से लोगों की जान बचाने में मददगार होता है। पुरानी ट्रेनों में लगे रेल के डब्बे याद कीजिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF, ये कोच लोहे के बने होते हैं, इस वजह से भारी होते हैं। इसमें दुर्घटना के बाद इसके डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें डुअल बफर सिस्टम होता है। ICF कोच को 18 महीनों में एक बार ओवरहॉल की आवश्यकता पड़ती है। इसकी औसत गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब ये समझ लेते हैं कि LHB कोच इस पुराने ISF कोच से किस तरह बेहतर होता है। ISF कोच की तुलना में LHB कोच ज्यादा बेहतर एवं सुरक्षित होता है। LHB कोच एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन के तहत तैयार किए गए हैं, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और आसानी से नहीं गिरते हैं। LHB कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं जो दुर्घटना होने की स्थिति में ठोकर सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यह उन्हें हल्का भी बनाता है और वाहन क्षमता भी बढ़ाता है। LHB कोचों में कपलिंग सिस्टम में 2 कोचों के बीच सापेक्ष गति को कम करता है और दुर्घटना की स्थिति में एक कोच को दूसरे कोच पर चढ़ने से रोकता है। LHB कोच की औसत गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे और टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहरहाल ये ट्रेन हादसा बाढ़ के पानी की वजह से हुआ या किसी धमाके की वजह से, इस पर अंतिम तौर पर कुछ भी कहने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ एक्सप्रेस में लगे LHB कोचेज को शुक्रिया कहना चाहिए, वरना हादसे में मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।